हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मसन। आज मैं आपके लिए ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाता है और बच्चों की छोटी सी कुक के लिए छोटा सा पिज़्ज़ा। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने लिया है टोमेटो, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। एक अनियन लिया है, उसे भी बारीक बारीक काट लिया है। और एक कैप्सिकम ली है, उसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा ऑरिगैनो, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी ड्राई बेसिल भी डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे इसमें और थोड़ा सा सिंपल सॉल्ट और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइस, उस पर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अच्छे से स्प्रेड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस को। इसी पर हम लगाएंगे टमाटो सॉस, वो भी अच्छे से आपने इस पर स्प्रेड कर देनी है। अब हम इस पर स्प्रेड करेंगे मोज़रेला चीज थोड़ा सा। अब इस पर डालेंगे हम वेजिटेबल का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था। ऊपर से फिर से हम डालेंगे मसाला चीज। एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, उसे थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और इसमें हम ट्रांसफर करेंगे जो हमने पीसेस तैयार करके रखे हैं ब्रेड के। नीचे से आंच हमने धीमी ही रखनी है ताकि जो नीचे से जो ब्रेड है हमारी अच्छे से क्रंची हो जाए, पिज्जा जैसा टेस्ट आएगा इसका। अब ऊपर से ढक्कन हमने लगा देना है और उसे 5 मिनट तक हम अच्छे से पकाएंगे जब तक ये जो मसाला चीज़ है हमारा मेल्ट नहीं हो जाता। ये देखिए मसाला चीज़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब इसे हमें थोड़ा सा और पकाना है बस, फिर हमारा जो ब्रेड पिज़्ज़ा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। लीजिए चीज़ मेल्ट हो चुका है, हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।